नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रेडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, लगातार कंटिन्यूसली अपर सर्किट चलने के बाद आज वापस से मार्केट में जो है लोअर सर्किट देखने को मिला। किस वजह से जो इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, किस वजह से फंडामेंटल में वीकनेस यहाँ पे देखने को मिली है, कंपनी का क्वार्टर फोर में दोस्तों अच्छा खासा जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, उसके बावजूद किस वजह से गिरावट का जो है आज यहाँ पे दौर देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों आगे चलकर कंपनी के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो है अभी टाइम क्या फंडामेंटल चार्ट के एनालिसिस पर तो देखने को मिलने वाला है, और कंपनी जो डिविडेंड यहाँ पे आउट कर रही है तो डीमेट अकाउंट में कब तक जो है डिविडेंड आने वाला है, जानकारी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक जरूर से बने रहना। फिलहाल दोस्तों शेयर के आज की प्राइस की बात की जाए तो ₹1955 पर आज का जो मार्केट है वह यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला। साथ ही जो पिछली जो क्लोजिंग थी वो दोस्तों ₹55.55 पर देखने को मिली, सीधे सीधे ₹1 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। साथ ही रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 4.5% की जो है रिटर्न्स में नेगेटिविटी देखने को मिली, पर जो आज जो मार्केट जो ओपनिंग पर देखने को मिला वो टोटल जो मार्केट था वो दोस्तों नेगेटिव पर देखने को मिला। बिल्कुल भी दोस्तों एक बार भी अपर सर्किट का जो था यहाँ पे देखने को नहीं मिला, जो ऊपरी जो पिछली जो ट्रेड थी उस पर यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी जो है यहाँ पे करता हुआ देखने को नहीं मिला। पर इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो जो आज का जो हाइएस्ट रहने वाला है वो दोस्तों कल की जो क्लोजिंग थी वही प्राइस रहने वाली है। पर इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो फंडामेंटल है वो इंप्रूवमेंट पर देखने को मिल रहा है। मार्केट के यहाँ पे देखा जाए तो 3.94 ट्रिलियन करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिविडेंड यहाँ पे देखा जाए तो 1.53% का जो डिविडेंड है वो भी टाइम देखने को मिल रहा है, और 52 वीक की जो प्राइस है ₹57.80। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों पिछले जो 5 ट्रेड आप लोग को देखने को मिले इसमें जो हाईएस्ट प्राइस में देखने को मिला है कि लो रिटर्न जो है 9.5% का भी टाइम देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव पर देखने को मिल रहा है फंडामेंटल। साथ ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो ₹1.70 का जो है बिग टाइम जंप आप लोग को नजर आने वाला है। साथ ही साथ अगर पिछले एक महीने का फंडामेंटल वॉच किया जाए तो उसमें आप लोग को जो है ₹7.75 का जो है तेजी आप लोग को नजर आने वाली है। रिटर्न्स में उछाल जो देखने को मिलने वाला है वो 65.68% का देखने को मिल रहा है। पर अभी के टाइम दोस्तों जो कंपनी के लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट है आज देखने को मिली है, जो बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिली है। सबसे पहले रिपोर्ट को वॉच करते हैं। ब्रेडकॉम ने 5 दिन की जीत की लकीर खींची, शेयर 4% नीचे व्यापार करते हुए नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो कंपनी को दोस्तों जो है क्वार्टर फोर में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों टैक्स पे करने के बाद जो है जो टोटल प्रॉफिट देखने को मिला है वो 229.15 करोड़ का शुद्ध जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। हाल ही के दिनों में दोस्तों शेयर में तेजी यहाँ पे देखी गई है। फिलहाल अगर यहाँ पे पिछले 5 व्यापारी कारोबारों में देखा जाए तो शेयर में जो है 25% की तेजी आप लोग को नजर आने वाली है। जीत की लय तोड़ दिया है दोस्तों 4 जून को शेयर में दोस्तों 4% से अधिक यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। फंडामेंटल यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों दोपहर 12:30 बजे तक एनएससी पर दोस्तों शेयर की जो प्राइस थी वो ₹19.70 पर बोली लगा रहा था। पिछले जो दोस्तों 4 जो ट्रेड देखने को मिली उससे यहाँ पे देखा जाए तो 4.14% नेगेटिव डाटा देखने को मिला। पर फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो जो फंडामेंटल में दोस्तों जो कंपनी बाजार नियामक ने कहा कि कंपनी अनियमित लेखांकन प्रथाओं का दोस्तों जो उपयोग करके व्यय को दोस्तों FY 2020 को दोस्तों मुनाफे को बड़ा जटाकर पेश किया, तो इस वजह से दोस्तों जो सेबी ने जो रिपोर्ट यहाँ पे पेश की थी उसमें कंपनी को लेकर फंडामेंटल नेगेटिव यहाँ पे पेश किया गया है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे जो है शेयर में जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। खुलासा न करने पर कंपनी को दोस्तों यहाँ पे नोटिस भी सेबी की तरफ से पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली है। फिलहाल दोस्तों जो शेयर बेसिक जानकारी को आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर फोर पर अगर यहाँ पे नजर डाल तो कंपनी की सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें दोस्तों कंपनी में सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। मार्च 2023 में यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के क्वार्टर फोर में सेल्स बढ़ती हुई नजर आने की चाहिए थी, पर यहाँ पे नेगेटिव सेल्स थे यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद भी अगर कंपनी का प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट जो देखने को मिला टोटल जो प्रॉफिट रहा है वो 323 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद की बात की जाए तो वो आप लोग को 229 करोड़ का आप लोग को देखने को मिलने वाला है। साथ ही अब यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक इंप्रूवमेंट जो देखने को मिला कि सेल्स जो यहाँ पे एक्सपेंस जो देखने को मिली है वो 977 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिली। ओपीएम जो है दोस्तों 29% का यहाँ पे देखने को मिला, और कंपनी ने इंटरेस्ट बिल्कुल भी पे आउट नहीं किया। फिलहाल अगर कंपनी की स्पेशल कुछ यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की दोस्तों जो हमें प्रमोटिंग होल्डिंग पर हमें यहाँ पे नजर डाली तो वो आप लोग को देखने को मिलने वाली है कि लगातार जो प्रमोटिंग होल्डिंग है उसमें अभी टाइम जो है इजाफा अच्छा खासा देखने को नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए एफआई की अगर बात की जाए तो 15.8% की रहने वाली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों डीआई की जो रहने वाली है वो 0.08% की जो
है शेयरिंग होल्डिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स की यहाँ पे ग्रोथ है पिछले ये साल में यहाँ पे सेल्स यहाँ पे देखी जाए तो 7,397 करोड़ की सेल यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। फिलहाल अगर यहाँ पे जो बेसिक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखा जाए वो देखा जाए तो दोस्तों डिविडेंड पे आउट करती हुई नजर आ रही कंपनी के पास दोस्तों बिग टाइम जो है डिबेट जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला, पर सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस शेयर के बारे में अपना जो भी बेसिक फंडामेंटल जो भी बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में जो भी पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।